बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ में रखे। आप देख रहे हैं समीना अंजुम रेसिपीज। नाज़रीन, आज हम जो आपके लिए रेसिपीज लेके आए हैं वो बहुत ही सिंपल और झटपट करने वाली है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। आप इन्हें घरों में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे टूरिस्ट करके लाजमी बताएं कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज जल्द और बरवकत आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, जो आज की मेरी रेसिपी है वो है बघारे बैंगन। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। मेरे तो फैमिली के मेम्बरान को बहुत पसंद है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद होगी। तो नाज़रीन, चले हम अपनी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें जो जो अज्जा दरकार होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। मेन मेन अज्जा मैं आपको बताऊँगी और बाकी जो हमने इसमें मसाले वगैरह डाले हैं जैसे नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, वो हम साथ साथ में ऐड करते जाएंगे और आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि हमें इसके लिए। जी नाज़रीन, इसके लिए हमें जो अज्जा दरकार होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए बैंगन। हमने ये आधा किलो बैंगन लिए हैं। साथ में हमें चाहिए पीनट यानी कि मूंगफली, और हमें चाहिए टमाटर, दो दर टमाटर, और साथ में हमें चाहिए प्याज, ये भी अपनी ज़रूरत, और ये हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च आप अपनी इसमें थोड़ा डाल सकते हैं। जो लोग ज़्यादा खाना तीखा खाना चाहते हैं वो उसको ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा दें, और जो ज़रा कम खाना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी कम कर लें। और साथ में हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, और ये है हमारे पास आमचूर। इनमें से हम पीनट और प्याज और ये हमारे पास जो मसाला है इसको, और इसको मिला के हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे और इनके अंदर कट लगा के, बैंगन के अंदर कट लगा के हम उसको भरेंगे। और बाकी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हम इसके साथ साथ ऐड करते जाएंगे, जैसे धनिया, जो साथ साथ अज्जा हमें चाहिए होंगे वो हम इसमें डालते जाएंगे, जैसे हल्दी हो गई, रेड मिर्च हो गई, और उसके बाद नमक हो गया। ये अज्जा हम साथ साथ इसको ऐड करते जाएंगे और आपको इसके साथ साथ बताते जाएंगे। तो चले नाज़रीन, हम अपने अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीनट लेके इसको हवन दस्ते में रखकर कूट कर चॉप कर लेंगे। जी नाज़रीन, हम हवन दस्ता लेंगे और उसमें हम अपना पीनट डाल के इसको चॉप करेंगे। आप अच्छे तरीके से चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद इसमें हम साबुत धनिया, फैट जीरा और आमचूर, नमक, हल्दी मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें हमने पीनट को चॉप कर लिया है। हम इसको ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, इसको हल्का सा तकरीबन के दरमियाना ही करेंगे, इसको ज्यादा चॉप करेंगे, ये बिल्कुल इसका पेस्ट हमने नहीं बनाना। तो नाज़रीन, ये हमने साबुत धनिया और जीरा इसको हमने पीस लिया था, और पीसने के बाद हम इसका हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे। ये इसमें डाल देंगे और बाकी हम अपने ग्रेवी के लिए बचा के रख लेंगे। और इसमें हम डालेंगे अमचूर, ये हाफ टेबल स्पून, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून नमक, साथ में एक टीस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली,
जी नाजरीन, ये देखें हमने पीनट को चॉप कर लिया है और अपने सारे मैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 या 3 चम्मच मिर्च। सब उसमें लेके हम उसको अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद हम इसमें मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से करने के बाद इसको थोड़ी सी गाढ़ी सी लेई बना लेंगे। ये देखिए ये एक पेस्ट बन चुका है। अब हम इसको रखते हैं एक साइड पे। तो अब हम अपने बैंगन लेकर उनको साइडों से साफ करके इनके हल्के हल्के साइडों से हम इसको कट लगा लेंगे। ऐसे इसके चारों साइडों पे कट लगा लेंगे और ऐसे ही हम अपने सारे बैंगन तैयार कर लेंगे। जी नाजरीन, हमने सारे बैंगनों को कट लगा लिया है। अब हम इसी मसाले को इन बैंगनों के अंदर भरेंगे। ऐसे हमने सारे बैंगनों को भर लेना है। जी नाज़रीन, ये देखें हमने अपने बैंगन तमाम अच्छे तरीके से उनको दरमियान से काट के उनको भर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसके अंदर डाल के उनको फ्राई करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, बैंगन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने प्याज हमने काट के रखे थे वो हम इसमें डालेंगे। हमने 3 कटी प्याज लिया था और हम इसको काट के चॉप करके रख लिया था। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 2 अदर हमने टमाटर लिए थे वो हम इसमें डालेंगे और सब्ज़ मिर्च पीस के रखी थी, अदरक लहसुन पीस के रखा था वो हम इसमें डालेंगे। और साथ में हम इसके डालेंगे 1 कस्बे अदरक नमक और साथ हम डालेंगे 1 कस्बे अदरक हल्दी, 1 टीस्पून इसमें हल्दी हम ऐड करेंगे। इन तमाम अज़ा को डालने के बाद हम इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, ये देखें हमारी आज की डिश बनकर तैयार हो चुकी है, बघारे बैंगन, और बहुत ही लजीज और मज़ेदार डिश है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की डिश पसंद आएगी। तो और घरों में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की डिश कैसी लगी। तो नाज़रीन, हमें दे इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट हम आपके लिए बहुत अच्छी सी डिश लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, अपना रखें बहुत ढेर सारा ख्याल, दुआ में रखें याद और फी अमानिल्लाह।